आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन कनेक्शन विद बेंजल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेंजल्डिहाइड की रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। देखिए, ये हो गया बेंजीन रिंग, इसके साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी एच ओ, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है कि सी एच ओ ग्रुप जो प्रेजेंट है बेंजल्डिहाइड पे वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये जो ग्रुप है सी एच ओ, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हमें कैसे पता चलता है कि जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बन क्या हो गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें कौन सी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो कि इनकरेक्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड अंडरगो क्लेजन कंडेंसेशन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर मैं बात करती हूँ क्लेजन कंडेंसेशन की, तो ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है, ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन। तो इसको हम कहेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन। किस किस के बीच में होती है, बिटवीन टू एस्टर्स, या फिर मैं कहूँ वन एस्टर एंड अदर कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बेंजल्डिहाइड एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, तो इनके बीच में मतलब ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स फिनाइल एसिटिक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर क्या हो गई, बेंजीन रिंग, इसके साथ क्या है सी एच ओ, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड का जब मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा यहाँ से हमें, बेंजीन रिंग एंड सी ओ ओ एच, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट में क्या मिला, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फिनाइल एसिटिक एसिड। अब फिनाइल एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है उसका हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ ये कार्बन और इस कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है हमारे पास फिनाइल एसिटिक एसिड, लेकिन हमें क्या मिला है, बेंजोइक एसिड। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है, बेंजल्डिहाइड रिडक्शन अगर हम उसका करवाएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम करवाते हैं तो अल्कोहल मिलता है, ठीक है, तो इसका अगर मैं रिडक्शन करवाऊंगी, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगी, ये बेंजीन रिंग सी एच ओ एच, ओके, तो ये हो गया हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा सी एच टू ओ एच, ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।